एक बेटा जी, ये मैं बुक में से आपको 61 क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूँ। ये बुक का 61 क्वेश्चन है, ओल्ड बुक में। नई बुक में आप मैच कर लीजिएगा, ओल्ड बुक का 61 है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन PRS वाला क्वेश्चन है। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन के बारे में बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये भी स्मॉल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। पता है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पहले बता दूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर ना R डाइड हुआ, इसमें लिखा है, देखो R डाइड, इसमें R की डेथ हुई है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब R डाइड होता है तो हमारी फर्म क्या करती है? हमारी फर्म R को उसका गुडविल का शेयर देती है ना? गुडविल का शेयर नहीं देती? R मरेगा तो फर्म R को उसकी गुडविल का शेयर देती है। और R को गुडविल का शेयर कौन देते हैं? वो जो बचे हुए PS हैं। PS पार्टनर R को उसकी गुडविल नहीं देंगे, कैसे? गेन रेशो में। ये आपको मालूम है ना? ये जो क्वेश्चन है ना, छोटा क्वेश्चन है, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ इस क्वेश्चन में जो R डाइड हो गया, जो R मर गया, उसकी गुडविल निकालनी है कि R को उसकी गुडविल का शेयर कितना देना है। बस, जो R मर गया उसकी गुडविल का शेयर निकालो कि R की गुडविल कितनी बनती है। सिर्फ आपको R की गुडविल निकालनी है कि R की गुडविल कितनी है, और R की गुडविल आ जाएगी तो उसके बाद एक एंट्री कर देंगे, यानी कि ले देकर एक ही काम है, छोटा सवाल है। बस R जो मर गया उसकी गुडविल का, R की गुडविल का शेयर निकालना है। R जो मर गया उसकी गुडविल निकालनी है। अच्छा, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से पहले बताओ, आपने पहले भी बहुत क्वेश्चन करे हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले आपने और क्वेश्चन की बात करते हैं, आप बताइए पहले आप क्या करते थे? जब कोई पार्टनर मरता था R, तो उसकी R की गुडविल निकालनी है, तो आप पहले कैसे निकालते थे? गुडविल ऑफ दी फर्म लेते थे, फर्म की गुडविल लेते थे और R की निकाल देते थे उसके शेयर से गुना करके, ठीक है ना? फर्म की गुडविल पहले निकालते थे, फिर R के शेयर से गुना करके R की निकाल देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, ये जो 61 करा रहा हूँ, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें निकालनी तो R की गुडविल है, जो R डाइड हुआ उसी की गुडविल का शेयर निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना, R की गुडविल निकालने के लिए, जो R मर गया, R की गुडविल निकालने के लिए ना एक स्पेशल तरीका लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। पता है क्या लिखा है? देखो, इसमें लिखा है PRS 3 पार्टनर है, ये उनकी रेशियो है 4-3-1। आगे दे रखा है, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, इसमें लिखा है कोई भी पार्टनर मरेगा, ही इज़ अ शेयर ऑफ गुडविल। अब जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ ना, अच्छा इसमें याद रखना, सीधा ये गुडविल निकालने का जो तरीका दिया है ना, ये जो गुडविल निकालने का अभी मैं तरीका पढ़ाऊँगा, ये गुडविल निकालने का फर्म का तरीका नहीं दिया। इसमें गुडविल फर्म की नहीं निकलेगी, इसमें हिज मतलब सीधा उसी की निकलेगी जो R मर गया, जो R मर गया उसी की गुडविल निकलेगी, क्योंकि इसमें लिखा है गुडविल हिज शेयर गुडविल की, R की गुडविल निकालने के लिए बता रहा है, तो इसमें R की निकालनी है तो हिज शेयर, यानी कि R की गुडविल कैसे निकलेगी मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, R की गुडविल इज टू बी वैल्यूड, कैसे वैल्यू करेंगे? 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब उसके R के अकाउंट में ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। सीधा सीधा बताऊँ इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें जब आपको R मरने वाले की गुडविल निकालनी है ना, तो इसमें R की गुडविल ऐसे निकालनी है, इसमें ये पहेली को सुलझाना है, 1/2 लेना है ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड, मतलब कि जो नेट प्रॉफिट उसको दिया गया, R को दिया गया लास्ट 4 ईयर। मतलब कहने का ये है कि जो R डाइड हुआ ना, पिछले 4 साल की बात कर रहा है ये, पिछले 4 सालों में जो प्रॉफिट हुआ था, पहले बताओ 4 साल में किसने कमाया होगा? 4 साल में फर्म ने, पिछले 4 सालों में जो फर्म को प्रॉफिट हुआ, अच्छा पिछले 4 सालों में अगर फर्म को हुआ होगा तो R को भी तो हुआ होगा ऑटोमेटिकली, तो पिछले 4 साल में जो R को प्रॉफिट हुआ, R की पॉकेट में जो प्रॉफिट गया, उसका 1/2 कर दो, उसका 1/2, बस वही R की गुडविल है। एक्चुअली इसमें R की गुडविल निकालने के लिए अलग ढंग दे रखा है, इसमें पहले वो नहीं करना, फर्म की निकालो, पहले फर्म की निकालो फिर R की निकालो, वो नहीं करना, सीधा R की निकलेगी। 1/2 किसका करना है? नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हीज मतलब जो R को मिला ड्यूरिंग लास्ट, पिछले 4 साल में जो किसको प्रॉफिट मिला, R को जो मिला पिछले 4 साल में, R का प्रॉफिट निकाल लो 4 साल और उसका आधा कर दो। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये प्रॉफिट दे रखे हैं, द फर्म प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, ये प्रॉफिट दे रखे हैं क्वेश्चन में, 1, 20, 80, 40 और 80। लेकिन ये जो 4 प्रॉफिट है ना बेटा जी, ये जो 4 प्रॉफिट है ये तो फर्म के गिवन है, ये फर्म के 4 साल के हैं, लेकिन मुझे 4 साल का R का चाहिए कि R को 4 साल में कितना मिला, तो ये फर्म के 4 साल के प्रॉफिट है। अच्छा, ये फर्म के 4 साल के हैं ना, तो इनसे R का निकाल लेना ना कि R को कितना मिला प्रॉफिट, एक बार R का निकल जाए तो उसका हाफ कर देना,
और इस क्वेश्चन में बस आर की गुडविल निकालनी है। और उसके बाद एक तो देखो गुडविल बोला है, गुडविल निकालो आर की, और दूसरा फिर एक एंट्री करनी है, वो आपको पता है ना गुडविल की एंट्री जो मैंने बताई है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये मैं करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 61 है ओल्ड बुक में से, ये ओल्ड बुक में से। इस क्वेश्चन में आर डाइड हुआ है और हमें आर की गुडविल का शेयर निकालना है, आर की गुडविल का शेयर। और इसमें आर की गुडविल है क्या, आर की गुडविल कैसे निकलेगी, इसमें लिखा है वन हाफ होगी नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू आर, यानी कि जितना आर को जितना प्रॉफिट मिला, जो आर मरा है उसको जितना, एक मिनट रुकिएगा, जो आर मरा है आर को जितना नेट प्रॉफिट मिला कब, ड्यूरिंग लास्ट फोर ईयर, चार साल में, पिछले चार साल में आर को जितना प्रॉफिट मिला है उसका, जितना आर को नेट प्रॉफिट हुआ है चार साल में उसका हाफ करना है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर, इस क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट दे रखे हैं ना, 120,000 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 80,000, तीसरा 40,000 और चौथा फिर से 80,000। ये जो इस क्वेश्चन में चार प्रॉफिट है ना, अरे ये प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है ये फर्म के हैं, ये आपको फर्म के प्रॉफिट दे रखे हैं इन्होंने, ये तो फर्म के प्रॉफिट हैं चार साल के। अच्छा एक बात बोलूँ, पहले ये फर्म के चार साल के हैं ना, आप फर्म के ये सारे प्रॉफिट टोटल कर लो, ये फर्म के प्रॉफिट्स का, ये जो फर्म के प्रॉफिट हैं, ये जो फर्म के प्रॉफिट हैं इन सब का आप टोटल कर लो, तो ये टोटल आ जाएगा 240,000 और 320,000। ये जो 320,000 आ रहा है ना, ये 320,000 फर्म का प्रॉफिट आ रहा है, ये फर्म का प्रॉफिट आ गया और वो भी कितने साल का, चार साल का। अच्छा ये फर्म का चार साल का प्रॉफिट आ गया। अच्छा याद रखना, ये जब प्रॉफिट का टोटल करा है ना, तो इसकी कोई एवरेज नहीं निकाल देना। कई बच्चे क्या करते हैं, ये चार साल का प्रॉफिट टोटल करा, डिवाइड में चार कर देते हैं, डिवाइड में चार करके इसकी एवरेज निकाल देते हैं, इस प्रॉफिट की एवरेज। अरे मैंने बोला ये फर्म के चार साल के प्रॉफिट आ गए ना, इसकी एवरेज थोड़ी निकालनी है, इसको डिवाइड में चार नहीं कर देना, एवरेज नहीं निकालनी। एवरेज निकाल के क्या करोगे, इसमें कोई एवरेज थोड़ी निकालनी है, बस ये फर्म का चार साल का प्रॉफिट आ गया ना। अच्छा ये फर्म का है चार साल का, अब आर का देखो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, आर का भी निकाल लो फिर, आर का प्रॉफिट कितना होगा ये चार साल में। यार एक बात आओ ना, फर्म का अगर आ चुका है 320,000, कितने साल का है ये, चार साल का, तो इसमें आर का कितना प्रॉफिट बनता है, इस फर्म में आर का कितना बनता है चार साल में। अरे इसको आर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो ना, और आर का पता है आर फर्म में कितने का मालिक था, 3/8। ये फर्म में आर का निकाल लो ना, आर का हिस्सा कितना है फर्म में, आप बुक में देख लेना, आर का हिस्सा 3/8 है, तो ये फर्म के प्रॉफिट का 3/8 निकाल दो, ये आ रहा है 120,000। तो ये जो 120,000, इसमें देखो मैंने कोई एवरेज थोड़ी निकाली, बस टोटल प्रॉफिट निकाला और उससे आर का निकाल दिया, आर के शेयर से गुना कर दो 3/8 से, आर का प्रॉफिट आ गया। ये आर का प्रॉफिट कितने साल का आ गया, चार साल का आर का प्रॉफिट। और अब आर का चार साल का आ गया ना, अब आर की गुडविल के बारे में पता है क्या बोला था, आर की गुडविल के बारे में बोला था, आर की गुडविल के बारे में बोला था कि ये जो आर का प्रॉफिट आया है चार साल का, 120,000 आर का आया है, इसका वन हाफ कर दो, ये जो आर का चार साल का प्रॉफिट 120 आया, इसका वन हाफ कर दो 60,000। ये लो बेटा जी आर की गुडविल आ गई। तो आर की गुडविल जो है वो ये होगी उसके मरने पर, आर जब डाइड होगा ना, तो आर की गुडविल, ये आर की गुडविल आ रही है। अब इसमें देखो एक अलग तरीका है ना, पहले फर्म का प्रॉफिट निकाला, फिर आर का निकाला, चार साल का शेयर से गुना कर दिया बस। और मैंने देखो बात बार बार बोल रहा हूँ, कोई प्रॉफिट जोड़ने के बाद एवरेज थोड़ी निकालनी है, इसलिए डिवाइड में चार नहीं करना, एवरेज नहीं निकालनी, सीधा फर्म का करो और आर का निकाल दो शेयर से, और उसका हाफ कर दो आर की गुडविल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आर की गुडविल निकालनी थी बस, लेकिन एक स्पेशल तरीका था, देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें पहले हमने पुराने क्वेश्चन क्या करते थे, पहले आप क्या करते थे, फर्म की निकालते थे, फर्म की गुडविल, फिर आर की, वो तरीका नहीं है, इसमें सीधा आर की निकल गई। और हाँ, अब इस क्वेश्चन में एक एंट्री भी करनी है। अब बताइए जब आर की गुडविल ये आ गई तो क्या एंट्री होती है, जब आर डाइड होता है वो एंट्री होगी PS2R। ये PS बचे हुए पार्टनर है ना, ये दोनों मिलकर आर को उसकी क्या देंगे, गुडविल देंगे, 60,000 गुडविल, यही तो एंट्री होती है। और ये एंट्री किस रेशो में होती है, गेन रेशो। और इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, इस पूरे क्वेश्चन में ना
इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा कि आर जब मरेगा तो पीएस का कुछ भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो इसमें पीएस की जो गेन रेशो वही होगी जो पीएस की ओल्ड है, जो पीएस की ओल्ड है, और पीएस की ओल्ड पता है कितनी है, 4:1। क्वेश्चन में देख लेना, जो इसमें पीएस बचे हुए पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो जो पीएस की ओल्ड होगी वही गेन होगी, वही उनकी गेन रेशो होगी, इनकी गेन रेशो ओल्ड वाली। तो पीएस की ओल्ड 4:1 है, तो समझ लो गेन रेशो इसमें 4:1 है। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ आ जाएगा, गेन रेशो 4:1 है। तो ये 60,000 जो गुडविल है ये गेन रेशो 4:1 में बांट दो आप 60,000 को 4:1 में, तो ये आ जाएगा 48 और 12,000। तो ये एंट्री हो गई पीएस टू आर। बस इस क्वेश्चन में ये एंट्री करनी थी और ये आर की गुडविल निकालनी थी, तो ये ऐसे निकालनी थी। फर्म की प्रॉफिट थे इसमें, टोटल उनका कर लिया, फिर आर का निकाल लिया और उसका हाफ कर देना था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्पेशल क्वेश्चन है ये हमारा।